मणिपुर के नोली जिले में आर्मी जवानों समेत अभी भी 44 लोग मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं। आपको बता दें कि कल जवानों का कैंप लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया था, जिसके बाद से एनडीआरएफ की टीम बड़े पैमाने पर रेस्क्यू मिशन चला रही है, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 23 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 14 लोगों के शव बाहर निकाले गए हैं। घायलों को इलाज के लिए नोनी आर्मी मेडिकल यूनिट लाया गया है। कल पीएम मोदी ने इसे लेकर राज्य के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह से बात की और हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। आपको बता दें कि भूस्खलन की वजह से इजाई नदी का प्रभाव भी प्रभावित हुआ है, तो वहीं कुछ नागरिकों को मलबे में दबे होने की आशंका भी जताई गई है। जिला प्रशासन आसपास के ग्रामीणों को सावधानी बरतने और जल्द से जल्द जगह खाली करने की एडवाइजरी भी जारी की है। आपको बता दें कि मलबे की वजह से इजाई नदी ब्लॉक हो गई है, जिससे एक ही जगह जल भराव के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। अगर यह टूट गया तो निचले इलाकों में और भी ज़्यादा तबाही मच सकती है। वहीं असम और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के कई राज्यों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बने हुए हैं। असम में तो 10 दिनों से अब तक करीब 135 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग प्रभावित हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।